दोस्तों, आप डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी के साथ डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पार्ट 3 देख रहे हैं। और आपको पहला सवाल हमने बहुत ही अच्छा सवाल लिया है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ दिस मच और वी आर सपोज टू प्रूव दिस। या तो आपको ऐसा दे देंगे प्रूव दैट दिस, और ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा तो उसमें आपको dy by dx की वैल्यू निकालना है और चार ऑप्शन से मैच कराना है। तो आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले इस सवाल को इस तरह से लिख लें, साइन इनवर्स x रूट वन माइनस रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, अब हमें x की जगह रखना है साइन अल्फा, थोड़ा सा ट्रिकी है, रूट एक्स की जगह रख दीजिएगा साइन बीटा। तो ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन अल्फा, और ये आ जाएगा रूट वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन बीटा अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये हो गया आपके पास साइन इनवर्स साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा कॉस अल्फा। ये बन गया आपका साइन इनवर्स साइन अल्फा प्लस बीटा, और वो इक्वल होगा अल्फा प्लस बीटा के, अल्फा प्लस बीटा। और व्हाट इज अल्फा? अल्फा अब आपको ऊपर देखना पड़ेगा, अल्फा इज व्हाट? साइन इनवर्स एक्स, बीटा इज साइन इनवर्स रूट एक्स। तो ये हो गया वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दें, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स का है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस रूट एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स जो कि वन बाय टू रूट एक्स है। बिल्कुल सही समझा आपने। तो ये इसका डेरिवेटिव और ये हैंस इट इज़ प्रूव्ड। आप देखिए, ये वाला पार्ट जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो गया, ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया। इसी तरीके से चार ऑप्शंस होंगे आपको, उसमें से सही ऑप्शन टिक करना पड़ेगा, जिसमें ये दिख जाएगा उसको आप टिक कर देंगे। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और बहुत वेल नोन क्वेश्चन है, इस तरीके से इसको कर सकते हैं थोड़ी सी ट्रिक लगा के, और आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा हो इसी तरह से जिसमें अरेंजमेंट होते हो, मैं आपको वो अगला क्वेश्चन बताता हूँ। वाई इज इक्वल टू, आप मान लीजिए आपके पास है टेन इनवर्स ए प्लस एक्स, या मान लीजिए रूट ए प्लस रूट एक्स है और वन माइनस रूट ए रूट एक्स है, तो क्या कर सकते हैं आप? तो अब आप इसको देख के समझ गए होंगे कि रूट ए को आप लिखेंगे टेन अल्फा, और रूट एक्स को क्या लिख देंगे आप? टेन बीटा। तो ये आपका बन जाएगा वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। ये बन गया आपका टेन इनवर्स टेन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का वैल्यू रख दें आप टेन इनवर्स रूट ए, बीटा का वैल्यू टेन इनवर्स रूट एक्स, और वाई डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स। टेन इनवर्स रूट ए का डेरिवेटिव जीरो बीइंग अ कांस्टेंट, टेन इनवर्स रूट एक्स का वन अपॉन वन प्लस रूट एक्स होल स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स विच इज वन अपॉन टू रूट एक्स। तो ये हो गया आपका वन अपॉन वन प्लस एक्स इंटू टू रूट एक्स। तो ये आपने देखा क्वेश्चन नंबर टू, जो कुछ इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन था। अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा होगा दोस्तों, तो उसे समझते हैं कि हम उसको कैसे डील करेंगे। मैं वैरायटी वैरायटी के क्वेश्चंस आपको मैंने बताए हैं, अगर आप उन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए प्लस बी एक्स अपॉन बी माइनस ए एक्स। इसमें अगर आपको पूछे कि व्हाट इज डेरिवेटिव फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, या आपको ऐसा बोल दें कि प्रूव करो
कि डी वाई बाई डी एक्स जो है आपका वो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होगा, तब आपको दिक्कत हो सकती है। तो उसके लिए घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। आप ये ध्यान रखें कि टेन का कोई भी फार्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन होना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ वन होना चाहिए, तो वन के लिए आप क्या करेंगे इसको बी से डिवाइड कर देंगे। तो जब बी से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा ए बाई बी प्लस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा वन माइनस ए बाई बी इंटू एक्स। अब ए बाई बी की जगह क्या रख दें आप टेन अल्फा, एक्स की जगह क्या रख दें वो आप तो पिछले के जैसे यही हो गया जो लास्ट क्वेश्चन था उसी के जैसा ही हो गया। आप ये टेन इनवर्स टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा, क्या बन गया ये टेन इनवर्स टेन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा आपके पास। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू यहाँ से देख लें टेन इनवर्स ए बाई बी, बीटा की वैल्यू देख लें टेन इनवर्स एक्स। अब डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, टेन इनवर्स ए बाई बी का जीरो, इसका हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये इस तरीके का था। अब इससे कनेक्टेड एक क्वेश्चन जिसमें थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़े, आए उसको भी समझ लेते हैं। जब हमने इतना समझ लिया तो हमें उसे भी समझ लेना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर फोर क्या कहता है वो सुनिए। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स लिखा हुआ है आपके पास 3x अपॉन वन माइनस टू एक्स स्क्वायर, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर दें। और आपसे पूछा है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, इस टाइप का क्वेश्चन CBSE में 2017 या 16 में आया हुआ भी है। तो y इज इक्वल टू इसको लिख लें टेन इनवर्स 2x प्लस एक्स अपॉन वन माइनस टू एक्स इंटू एक्स। अब बहुत कुछ बात तो आपके समझ में ही आ गई होगी कि 2x को क्या लिख देंगे हम टेन अल्फा, x को लिख देंगे हम टेन बीटा, तो क्या बन जाएगा आपका ये बन जाएगा टेन इनवर्स टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स टेन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू रख दें, अल्फा की वैल्यू है टेन इनवर्स टू एक्स प्लस बीटा की वैल्यू है टेन इनवर्स एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन टेन इनवर्स का डेरिवेटिव हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस टू एक्स होल स्क्वायर, टू एक्स का टू, टू एक्स का टू, तो चाहे तो यहाँ लिख दें आप टू एक्स का टू प्लस टेन इनवर्स एक्स का वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज द आंसर। यही आंसर है, इससे ज़्यादा आपको मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो ये आपने देखा। अब अगला क्वेश्चन इसी टाइप का मैं आपको इसी कनेक्शन में बताता हूँ। और होपफुली आप उसको ट्राई कर पाएंगे, तो उस वाला उस तरह का क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर फाइव, वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस टू एक्स स्क्वायर, तब आप क्या करेंगे, तब आप करेंगे टेन इनवर्स टू एक्स माइनस एक्स अपॉन वन प्लस 2x इंटू एक्स। और बिल्कुल सिमिलर टू लास्ट क्वेश्चन है एक्सेप्ट दिस प्लस साइन, यहाँ पे माइनस आएगा। तो इसका dy वाई बाई डी एक्स क्या होगा, इसका dy वाई बाई डी एक्स होगा 2 अपॉन वन प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये यू आर एक्सपेक्टेड टू सॉल्व योर सेल्फ, आप खुद से ही सॉल्व करना इसको, है ना। अगर इसी से मिलता जुलता मैं एक और दे देता हूँ आपको, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 5x अपॉन वन प्लस वन माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर, वन माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर। तो इसको समझ ही गए होंगे आप क्या करेंगे, इसलिए मैं बोलूँगा नहीं।
इसका आंसर लिखूंगा और आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप करो। तो ये आपको करना है क्वेश्चन। अब आपको मैंने इतने सारे क्वेश्चंस इसमें अब तक 3 वीडियोस में कराए हैं। अगर आप डायरेक्ट ये 3rd वीडियो देख रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले 2 वीडियोस भी देख लें और फिर इसके बाद इस वीडियो को देखें और क्वेश्चंस ट्राई करें। कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट्स हो, डिफ़िकल्टीज हो, आप मुझे लिख भेजें। मैं अन्य आपको अपना व्हाट्सएप नंबर 9685698056। काफ़ी जगह से मुझे अच्छा रिस्पांस आता है और बच्चे मुझे लिख के देते हैं अपने डाउट्स, अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। इन केस इफ़ यू डोंट विश टू राइट इन कमेंट बॉक्स, यू फील हेजिटेट इन राइटिंग, नो प्रॉब्लम, यू कैन व्हाट्सअप मी। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर दें, मैं आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। मैंने जितने भी वीडियोज़ अभी बनाए हैं सब में क्लैरिटी रखी है, एक के बाद एक कनेक्टेड क्वेश्चंस हैं। आपको सीखने में बहुत आसानी रहेगी। आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बिल्कुल ना भूलें। और ख़ास तौर से उन बच्चों के लिए, दोज हु आर डिप्राइव्ड, वो जो वंचित हैं, जिन्हें इस प्रकार की सुविधा नहीं मिल पा रही, जिन्हें इस प्रकार के प्रॉब्लम सॉल्व करने को नहीं मिल पा रहा है, जो रूरल एरिया में रहते हैं, जो ट्राइबल एरिया में रहते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको अगर आगे तक भेजेंगे तो ये कहीं ना कहीं उनको जा कर के मिलेगी और वो लोग आगे आ पाएंगे। और वो लोग आगे आ पाएंगे तभी हम अपने देश को आगे ला पाएंगे, तभी आप लोग आगे आ पाएंगे और हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो इन्हीं बेस्ट विशेस के साथ आज आपको डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी का प्यार भरा नमस्कार।